रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है, जहां उन्होंने ये दावा किया है कि युद्ध में रूस के 9000 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। ये कह सकते हैं सबसे बड़ा दावा है। हालांकि यूक्रेन ने अब तक ये साफ तौर पर नहीं कहा है कि उनके कितने नागरिक मारे गए हैं, उनके कितने सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो ये बड़ा दावा सामने आ रहा है, ये जो खूनी जंग है वो लगातार तेज हो रही है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बड़ा दावा सामने आया है कि रूस के युद्ध में अब तक 9000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। और ये सबसे बड़ी दर्दनाक कह सकते हैं खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि कल भी रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन ने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो होकर रहेगा और वो विनाशकारी होगा। ये जो दावे उन्होंने किए थे, उसके बाद कल रात को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की थी, जिसके बाद आज यूक्रेन की जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये जो जंग हुई है उसमें अब तक रूस के अब तक 9000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी ये जो संख्या है ये हजारों की तादाद में हो चुकी है। और ये खबर दुनिया भर के लिए अच्छी नहीं है। आज ही कुछ ही दिनों पहले ही जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ा दिए गए थे, प्रति बैलर जो कच्चे तेल के दाम है वो $110 कर दिए गए थे, जो पहले 70 से 72 रुपए में भारत को मिलता था, अब उनके भी दाम बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही जो ये अभी सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जहां दावा कर रहे हैं कि युद्ध में अब तक रूस के 9000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, और ये खबर कहीं ना कहीं देश भर के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो खूनी जंग है वो लगातार तेज हो गई है यूक्रेन और रूस के बीच। जो ये युद्ध का आज 8वां दिन है और इनका जो ये खूनी जंग है वो लगातार तेज हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब तक ये नहीं बताया है कि यूक्रेन के कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन लगातार कल कहा जा रहा था कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन जो इस वक्त का ये जो बड़ा दावा सामने आ रहा है वो काफी चिंताजनक है दुनिया भर के लिए, क्योंकि अब तक 9000 रूस के 9000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक यूक्रेन के कितने लोग मारे जा चुके होंगे। यूक्रेन के सिर्फ आम नागरिकों की बात करें तो ना जाने कितने आम नागरिक जो है वो मारे जा चुके होंगे। जहां यूक्रेन लगातार दावा कर रही है कि 9000 सैनिक मरे हैं रूस के, तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के ना जाने अब तक कितने नागरिक जान गंवा चुके होंगे। जो आम नागरिक वहां पर रहते हैं, लगातार ये जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध का है आज 8वां दिन है, लेकिन अब तक दोनों ही जो देश है वो झुकने को तैयार नहीं है, दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जो युद्ध जारी है और इसी बीच जो राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बड़ा दावा है, ये दुनिया के लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकता है।